ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ कोमल खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू। उम्मीद करती हूं नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएं कि शहर कायद में कोरोना केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। कराची में कोरोना के फैलाव के पेश नज़र मज़ीद इलाकों में लॉकडाउन नाफिज़ कर दिया गया है। कौन कौन से इलाकों में ये लॉकडाउन लगाया गया है यह हम आपको आगे चलकर वीडियो में बताएँगे। आप वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आपको बताएं सिंध में 24 घंटों के दौरान मज़ीद 923 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि वबा के 22 6 अफराद का इंतकाल हुआ है। सिंध के दो बड़े शहरों कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस लॉकडाउन लगाया जा रहा है। आपको बताएं हैदराबाद के 17 से ज़ायद इलाकों में आज से 5 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। दूसरी जानिब कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के तनाजुर में कराची की ज़िला वस्ती के 4 टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 टाउन्स में लगाए गए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज फौरी तौर पर होगा, जो 8 मई तक जारी रहेगा। आपको बताएं माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकत आबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद के रिहायशी यूनिट्स में लगाया गया है। मुतासरा इलाकों के मकीनों की गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है। इन मुतासरा इलाकों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी और फैमिली इज्तमा पर भी पाबंदी होगी। इलाके में पब्लिक इज्तमा लोगों के जमा होने पर पाबंदी होगी। ज़रूरी अशिया की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी, जबकि कारोबार और दफातर भी बंद रहेंगे। आपको बताएं इस दौरान लोगों को घरों में रहने का पाबंद किया जाएगा। सिर्फ ज़रूरी अशिया के लिए ही लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त होगी। इस मौके पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा।